नमस्कार नमस्कार सर। सर आपका नाम बताइए। मैं बलराम कामदार बालोदा से हूँ। अच्छा, और अभी मैं आपके गांव के खेत में आया हूँ। हाँ सर। है ना, तो यहाँ आपने ये आपके जो हाथ में RPS 76 है, हाँ, इसका उपयोग करा है। हाँ सर। तो इसका जो आपने उपयोग करा RPS 76 का, ये पहली बार कर रहे हैं? हाँ सर, मैंने पहले विश्वास नहीं था मुझको इस पे RPS पे। RPS पे आपने बोला था। हाँ, आप मुझे पहले मिले थे, जैसे आपका नाम गोकुल सोनी जी धार से हो आप, हाँ, तो आप मुझे मिले थे तो एक बार बोला था कि RPS 76 इसके रिजल्ट अच्छे आते तो इसको उपयोग करके देखना। तो मैंने एक बार धनिया में करके देखा था, अच्छा धनिया में रिजल्ट अच्छा हुआ मिला सर। जी उसमें पानी ज़्यादा गिर गया था, उसके कारण वो पत्तियाँ लग गई थी उसकी, जी और ख़त्म कंडीशन थी उसकी। अच्छा, मतलब जुताई करने की थी, मतलब खेत में से निकालने का फेंकना ही था उसको, फेंकना ही था। फिर भी मैंने उसका स्प्रे उसमें किया धनिया में। कितनी बार करा था? सिर्फ एक बार किया था सर। अच्छा, एक बीघे में कम से कम दो टंकी सिर्फ कर दिया था। हाँ, तो क्या रिजल्ट रहे? तो सर वो तो पत्तियाँ एरमेर की जो थी फंगिस, मतलब लग गई थी वो पत्तियाँ, हाँ, वो तो खत्म हो गई, बिल्कुल सूखा गई, अच्छा और अंदर से फूट की सर, अच्छा नया फूटा हुआ है, नया फूटा पाया, और अच्छा सा बिल्कुल काले कट हो गए, कलर अच्छा आ गया। अच्छा, हाँ, तो वो धनिया मैंने 3-4 हज़ार रुपये के बेच दिए कम से कम। अच्छा, मतलब आपका खर्चा निकल गया हाँ, उसमें। खर्चा निकल गया उसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आपके पास में गांव के लिए आए हैं, गांव में। हाँ सर। तो यहाँ आप ये बताएं कि RPS 76, हाँ, आपको भरोसा हुआ तो अब इसमें RPS 76 आपने इस गांव के अंदर कैसे उपयोग करा? वो सर फिर धनिया से रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा कि अच्छा है जी तो गेहूं में करके देखे, जी तो वो एक बिजोरीज, हाँ और एक बिजोरीज लिया मैंने 1.5 क्विंटल के अंदर, जी और RPS 76 जी 750 ml मिलाया था, जी और दोनों का उपचार करके हाँ, यहाँ पे गेहूं लगाया, तो सर इसका रिजल्ट है आपके सामने। तो गेहूं लगाए थे आपने, तो कैसे लगाया था ये मुझे बताइए थोड़ा सा। तो सर गेहूं लगाया तो मैंने पहला अकाई वगैरह कर दी थी, और सूखे में ही बोया था इसको, सूखे में बोया था, पानी आने नहीं छोड़ा था, अच्छा, सूखे में ही बोया, हाँ, और बो के डायरेक्ट फिर दूसरे दिन पानी, दूसरे दिन पानी छोड़ा। हाँ, मतलब बोने के दूसरे दिन पानी छोड़ा, बोने के दूसरे दिन छोड़ा मैंने। अच्छा, मतलब 1.5 बीघा के 1.5 क्विंटल गांव के अंदर आपने 750 ml RPS और एक बिजोरी, बिजोरी का दोनों का इस्तेमाल करा। आज ये गांव जो हम आपके यहाँ देख रहे हैं, तो ये गांव को आज कितने दिन हो गए हैं? ये कम से कम 1 महीना हो गया सर। इस गांव को 1 महीना हो गया? हाँ, 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए, पर 30 दिन के अंदर जो आपका गांव देख रहे हैं, तो ग्रीननेस वगैरह देखो सर, ये बिल्कुल कैसे लहरा रहे हैं।